हरियाणा में होगा एक और गठबंधन, जेजेपी और आपके बीच होगी साठगांठ। दुष्यंत चौटाला ने कह डाली गठबंधन को लेकर बड़ी बात। हरियाणा के विधानसभा में जबरदस्त तड़का लगाएगा जेजेपी आप गठबंधन। कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर देने के लिए चल रही है पर्दे के पीछे बात। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर रिपोर्टर जी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और सबसे बड़ी बात ये, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार रिपोर्टर जी को पसंद कर रहे हैं, रिपोर्टर जी की खबरों को पसंद कर रहे हैं और भरोसा कर रहे हैं। इसी भरोसे और इसी प्यार को आप लगातार बनाए रखिए ताकि हरियाणा की एक बुलंद आवाज़ के तौर पर रिपोर्टर जी हमेशा इसी तरह से आपके सामने खबरें लेकर आता रहे। चलिए बात करते हैं हरियाणा के विधानसभा चुनाव की। अक्टूबर में हरियाणा के 2024 के विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी गोटियां सेट करनी शुरू कर दी है। इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बार का विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा, शय और मात की इस बाजी का कौन बनेगा सिकंदर। क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि इस बार उनके लिए मौका अच्छा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 10 में से 5 सीटें जीतकर कांग्रेस का कॉन्फिडेंस हाई है और इसी कॉन्फिडेंस के साथ कांग्रेस ये उम्मीद लगा रही है कि 10 साल से जो सत्ता से वो बाहर रही है, इस बार उनकी एंट्री हरियाणा की सत्ता में होने वाली है। तो वहीं बीजेपी ने भी दावा ठोका हुआ है कि दो बार वो हरियाणा में सरकार लगातार बना चुके हैं और तीसरी बार भी वो सरकार को रिपीट करने जा रहे हैं। लेकिन इन दावों में कितना दम है ये तो खैर चुनाव के बाद जनता साफ कर देगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव का असल अगर कोई किंग है तो वो है हरियाणा की जनता। खैर इस सब के बीच अब गठबंधन भी शुरू हो गए हैं। INLD ने BSP के साथ गठबंधन किया है। उम्मीद यही है कि जिस तरह से हरियाणा से INLD का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है, उस अस्तित्व को किसी तरह से 2024 के विधानसभा चुनाव में बचाने में कामयाब रहे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो INLD के सामने हार और जीत के अलावा सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि उनसे उनका अपना चश्मा यानी कि सिंबल भी चुनाव आयोग छीन लेगा। तो इसके लिए उतने नंबर, उतने विधायक INLD को चाहिए और इसके लिए INLD ने BSP का सहारा लिया है, ताकि INLD जाट तो BSP दलित वोटरों को साध सके। लेकिन ये कितने साध पाएंगे ये तो खैर अभी भविष्य में छुपा हुआ है। लेकिन इस सब के बीच क्या JJP और आम आदमी पार्टी भी आपस में गठबंधन कर सकते हैं, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। क्योंकि आम आदमी पार्टी भी हरियाणा के 2024 के विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम से उतरना चाहती है और इसके लिए बकायदा रैलियों का दौर शुरू हो गया है और ये रैलियों का दौर अब महारैलियों के तौर पर देखने को हरियाणा में मिलेगा। यानी कि आम आदमी पार्टी एक तरफ पंजाब और एक तरफ दिल्ली जीतने के बाद बीच में बचे हरियाणा को भी हथियाना और जीतना चाहती है और उसके लिए वो तमाम तरह की तैयारियों में जुट चुकी है। और ऐसे में JJP का क्या होने वाला है, क्योंकि JJP को लेकर भी बहुत सारी शंकाएं यहां पर बनी हुई है। JJP 2019 में अस्तित्व में आई थी और बेहतर प्रदर्शन करते हुए पहली बार में ही 10 सीटें जीती। लेकिन इन 10 सीटों के जीतने के साथ ही JJP ने BJP के साथ गठबंधन कर लिया और इस गठबंधन को लेकर खास तौर से जाट वोटर्स ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ये तो हमारे साथ एक तरह से लूट हो गई, हमने भरोसा जताया था, हमारे भरोसे को JJP ने ठग लिया। अब इसी ठगी के साथ अब JJP 2024 के विधानसभा चुनाव में है, तो क्या ऐसे में जाट वोटर एक बार फिर से JJP को जिताने का काम करेंगे। खैर इस बात की संभावना बेहद कम है, क्योंकि जाट वोटर्स ने तो मन बना लिया है कि वो BJP के खिलाफ जाएंगे, लेकिन दो हिस्सों में बटेंगे नहीं जैसे कि 2019 में बट गए थे। तो अब JJP के सामने क्या विकल्प बच जाते हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में JJP का वोट प्रतिशत घटकर 1% से भी कम रह गया था। ये JJP के लिए बेहद चिंता की बात है और इसी चिंता के चिंतन में अब सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी और JJP साथ आ सकते हैं, और अगर ये दोनों ही पार्टी साथ आती है तो क्या इसका फायदा दोनों पार्टियों को मिलेगा, और अगर ये दोनों पार्टी साथ आती है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान किसे होगा, BJP या कांग्रेस, या फिर दोनों ही पार्टियों के लिए गठबंधन एक टेंशन और एक चुनौती बन सकता है। क्योंकि दुष्यंत चौटाला से ये सवाल किया गया कि क्या वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, तो उन्होंने खैर ये बात कही है कि फिलहाल JJP 90 की 90 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी कि दुष्यंत चौटाला यहां पर एक संभावना की बारीक सी लकीर छोड़े दे रहे हैं।
यानी कि उन्हें भी उम्मीद है कि अगर आम आदमी पार्टी के साथ वो जाते हैं तो कुछ ना कुछ वोट प्रतिशत उनका बढ़ सकता है, खासतौर से शहरी इलाकों में। तो आपको क्या लगता है, जेजेपी और आम आदमी पार्टी को 2024 का हरियाणा का विधानसभा चुनाव गठबंधन में लड़ना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और रिपोर्टर जी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज़।